अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं? क्या कर रहे हैं जनाब? क्या हो रहा है? हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं जी जनाब, खेल भी रहे हैं, कूद भी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और क्या हो रहा है जनाब? खेलना कूदना चल रहा है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा है? मिल के खेल रहे हैं, झगड़ा तो नहीं करते हैं जनाब? बिल्कुल सही, मिलके खेल रहे हैं, किसी से लड़ते नहीं हैं। और जनाब जब खेलते हैं तो फिर एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं, अपनी चीज़ें भी ख्याल से रखते हैं और अपने दोस्तों की चीज़ें भी ख्याल से रखते हैं। किसी की चीज़ नहीं तोड़ते हैं, अपनी चीज़ को भी आराम से रखते हैं, एहतियात से रखते हैं और अपने दोस्तों की चीज़ों को भी एहतियात से रखते हैं। और अगर खेलते हैं तो शोर भी नहीं मचाते हैं, आराम से खेलते हैं, बदतमीज़ी नहीं करते हैं, ऊँचा ऊँचा नहीं बोलते हैं, आराम से बात करते हैं। और अगर कोई लड़ाई कर ले तो नाराज़ अगर हो जाए तो उसे मना भी लेते हैं, है ना जनाब? यही करते हैं ना मेरे दोस्त? वेरी गुड, मुझे पता है कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं और जितनी अच्छी अच्छी बातें हमने अब तक सीखी हैं उन पे अमल करते हैं, भूलते नहीं हैं। और अगर भूल भी जाएं तो मैं अपने दोस्तों को याद करा देती हूँ, है ना? जैसे कि हम अपने सारे असबाक को दोबारा से याद कर रहे हैं, अच्छे से दोहरा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, है ना? कितनी अच्छी बात है ना कि हमारी हम जल्दी से मिल के जो है वो रिवीजन कर रहे हैं, हमारे अच्छे खासे जो हैं, अच्छे बहुत सारे जो असबाक हैं हमने उनको रिवाइज किया है, दोहराया है। और हमें ये पता चला है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे दिमाग से निकल गई थी, स्किप हो गई थी, लेकिन हमने दोहराया, पक्का पक्का याद हो गया, याद हो गया ना आपको भी? तो जनाब फिर आज क्या करें हम? हाँ, क्या करना था बताइए मुझे, मैं तो भूल गई। अच्छा हाँ, बाब नंबर 7 की हमने प्रैक्टिस की थी कल, रीडिंग प्रैक्टिस की थी, कंप्लीट नहीं की थी। चलें कोई बात नहीं, आज रीडिंग प्रैक्टिस को कंप्लीट कर लेते हैं, रीडिंग कंप्लीट करते हैं अपने बाब नंबर 7 की। निकाल लीजिए अपनी किताब, उर्दू सिलसिला साल अव्वल, अव्वल की किताब निकालें, सफ़ा नंबर 48 निकाल लीजिए। बाब नंबर 7 हमारा चल रहा था कुकड़ू कूं। जी जनाब, हम कर रहे थे इस नज़म की रीडिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें मौजूद हैं बी मुर्गी के अंडे प्यारे प्यारे से, और बिल्ली और चील जिनसे वो डर रहे थे और बी मुर्गी उनको बचा रही थी। तो जनाब पहले पढ़ते हैं कि शुरू से कि हमने कल कितनी प्रैक्टिस की थी, हमें अच्छे से पढ़ना आ गया, फिर आगे स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? चलें, बी मुर्गी ने दिए हैं अंडे, पढ़िए मेरे साथ, कुछ सफ़ेद कुछ हैं गंदे, कुकड़ कुकड़ कुकड़ू कूं, इनको अपने पास रखूं, कव्वे मियाँ ताक लगाए, कोई आए इसको भगाए, पर को फैलाऊं इनको छुपाऊं, अंडे अपने मैं न दिखाऊं। पढ़ रहे ना मेरे साथ? शाबाश। कुकड़ कुकड़ कुकड़ू कूं, अब तो यहाँ से मैं न हिलूं, हुआ महीना पूरा तमाम, ख़त्म हुआ है मेरा काम, टक से टूटे अंडे गोल, निकले चूजे कोल मटोल। चलें जी, अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने कल पढ़ा था, एक लफ्ज़ को 3 दफ़ा मैं पढ़ूंगी, दोहराइएगा मेरे साथ साथ। चल, चू 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 चू, करते हैं करते हैं करते हैं, दोहराइए, शाबाश। बिल्ली चील बिल्ली चील बिल्ली चील से 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 डरते हैं डरते हैं डरते हैं, चू 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 करते हैं, बिल्ली चील से डरते हैं। चूजे बोले चूजे बोले चूजे बोले, अम्मी जान अम्मी जान अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान अपनी जान अपनी जान। चूजे बोले अम्मी जान, कैसे बचाएं अपनी जान। कुकड़ 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 कुकड़ू कूं, बिल्ली चील से मैं न डरूं। कुकड़ कुकड़ कुकड़ू कूं, बिल्ली चील से मैं न डरूं। गुर अपने सिखलाऊंगी अपने जैसा
अपने जैसा बनाऊंगी बनाऊंगी बनाऊंगी, गुर अपने सिखलाऊंगी अपने जैसा बनाऊंगी। सुबह सवेरे उठना होगा उठना होगा, चाको चौबन बनना होगा बनना होगा बनना होगा, सुबह सवेरे उठना होगा चाको चौबन बनना होगा। मुर्गी बोली मुर्गी बोली, कुकड़ू कू, चूजे बोले चू चू चू। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। चू चू करते हैं बिल्ली चील से डरते हैं, चूजे बोले अम्मी जान कैसे बचाएं अपनी जान। पढ़ रहे ना मेरे साथ में, शाबाश। कुकड़ू कू, बिल्ली चील से मैं न डरूं, गुर अपने सिखलाऊंगी अपने जैसा बनाऊंगी। सुबह सवेरे उठना होगा चाको चौबन बनना होगा। मुर्गी बोली कुकड़ू कू, चूजे बोले चू चू चू। चलें जी जनाब, हमने अपने पूरे सबक यानी पूरी नज़म की रीडिंग प्रैक्टिस आज कंप्लीट कर ली है, अच्छे से दोहरा लिया है, रिवाइज कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अच्छे से दोहराना है, बार बार दोहराना है, वीडियो बार बार देखनी है, और अभी इस नज़म में मौजूद जो नए नए अल्फाज हैं जिनको आपको लिखने में दुश्वारी पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, आप उनको अच्छे से दोबारा से लिखेंगे, बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, नज़म को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, और अपने काम की पिक्चर टीचर को सेंड कर देंगे, साथ साथ वॉइस नोट अपनी रीडिंग का सेंड करेंगे। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।